नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको बांझपन यदि किसी में हो, संतान हो ही नहीं रही हो, पेट में लगी नहीं रही हो, तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए, उसके लिए आज मैं एक उपाय बताता हूँ। छोटा सा उपाय और बहुत प्राचीन उपाय है। इस उपाय को करने से कई माताओं को लाभ मिला, आपको भी लाभ मिलेगा। उपाय को करके देख क्या करना है। ये जो श्रवण नक्षत्र होता है, श्रवण नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है श्रवण। श्रवण नक्षत्र में आपको कहीं से भी अरंड होता है ना, अरंड का तेल बनता है, अरंड का तेल, उसका फूल भी होता है ना, अरंड के पत्ते होते हैं ये बड़े बड़े, और उसका फूल भी होता है। तो अरंड का जो फूल होता है वो फूल श्रवण नक्षत्र में, नक्षत्र तो आपको पता है ये 24 घंटे का होता है, 24 घंटे में कोई शुभ समय होता है, आप देखना पंचांग में देखना या पंडित से देखवा लेना या मोबाइल के ऐप में देख लेना, शुभ चौगड़िया हो, उस चौगड़िया में आपको वो अरंड का काली अरंड होनी चाहिए, काली ब्लैक अरंड है ना, ब्लैक अरंड होती है वही काम आएगी। ब्लैक अरंड का फूल लेके आना, ब्लैक अरंड का फूल ला करके आपको उस फूल की पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा तो आप समझते हैं, धूप दीप नैवेद्य दुर्वा से ऐसे जल देना, थोड़ा सा कलावा चढ़ा देना, एक देवता मान करके उसकी पूजा करनी है। उसकी पूजा करके उसी श्रवण नक्षत्र में एक ताबीज में उसको मंडवा लो। ताबीज आता है छोटे छोटे बाजार में ताबीज मिलते हैं, उसमें बिना छाप का कोई भी ताबीज ले लो और ताबीज लेकर के उस ताबीज में उसको मंडवा लो। उस ताबीज में उसको मंडवाने के बाद में आपको क्या करना है, गले में धारण कर लेना है, उसी दिन कर लो। हाथों हाथ मंडवा लो, हाथों हाथ गले में धारण कर लो, आपका काम सब हो गया है। हाथों हाथ उसको गले में धारण कर लो, बस ये धारण करने की देर है। फिर आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि उसमें बच्चा लगेगा और आपके गर्भ में, आपका गर्भाशय है, वो संतान को स्वीकार करने की क्षमता वाला बन जाएगा। उसमें संतान ठहर सकती है, संतान बड़ी हो सकती है, आप एक स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। यदि ये उपाय आपको अच्छा लगे तो कई माताएं बहनें ऐसी है जिनके संतान से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो भेजिए। बहुत सुंदर वीडियो, बहुत सुंदर चीज है। अगर संतान हुई तो आपको भी इसकी दुआ लगेगी, आशीर्वाद लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, ये मैं हर बार निवेदन करता हूँ, आज तो विशेष निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। लाभ होगा आपको, लाभ भी होगा और आशीर्वाद भी मिलेगा, ताकि आपके घर में यदि कोई संतान संबंधी समस्या है तो उसका भी जल्दी से निराकरण होगा, निवारण होगा, आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा मित्रों।